पंजाब और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानूनों के बाद बिजली को लेकर घमासान तेज होता दिख रहा है, तो वहीं पर सीएम अमरिंदर सिंह जंतर मंतर पर धरना देने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की लगातार विरोध के चलते केंद्र सरकार ने पंजाब में रेल रोको सेवा रोक दी है। पंजाब में रेल सेवा रोको जाने के बाद से ब्लैक आउट का खतरा बढ़ गया है। इस मुद्दे पर धरना देने के लिए सीएम अमरिंदर कांग्रेस विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। असल में पंजाब में 3 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती होने लगी है, खाद्य की किल्लत हो रही है, उद्योगों में सामान का स्टॉक बढ़ने लगा है। पंजाब सरकार इन सब मसलों को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सभी हमारे मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए हमारे और लोक इंसाफ पार्टी के एमएलए यहाँ आए हैं। हमारा मकसद था कि हम आए राजघाट में और सभी, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने सिर्फ हमारे मेंबर पार्लियामेंट और मुझे इजाज़त दी है इधर आने की, बाकी सब गए हैं जंतर मंतर, वहाँ हम बैठेंगे। बिहार में विधानसभा के तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश की रैली में हुए उपद्रव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि यह विपक्ष की निराशा और हताशा का परिचय है। विपक्ष अपनी हार को मानकर उस प्रकार की उपद्रव की घटना को अंजाम दे रहे हैं जिससे नुकसान विपक्ष का ही होगा। आपको बता दें कि मंगलवार को मधुबनी के हर इलाके में हुई चुनावी रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर प्याज फेंके गए मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। निराशा और हताशा का परिचायक है कि विपक्ष अपनी हार को मानकर इस प्रकार के कहीं कहीं उपद्रव कराने की छोटी मोटी घटना जो कर दे रहा है, इससे नुकसान उसी को होगा। लोग अब दुर्व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं और लोग कहीं जाकर कहीं से भी अगर इक्के दुक्के इस प्रकार की घटना कर देते हैं तो विपक्ष बिल्कुल हताशा में आ गया है, इसका यह परिचायक है। हार मान ली है विपक्ष, इसलिए ऐसा हरकत कर रही है। पंजाब में पनप रहे बिजली संकट को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राजघाट पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कैप्टन के इस धरने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तीखा तंज कसा है। विज ने कहा कि प्रजातंत्र की मर्यादाएं होती हैं और कैप्टन प्रजातंत्र व्यवस्था के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। विजय ने कहा कि पंजाब में इस संकट का कारण रेल रोको आंदोलन है। देखिए, प्रजातंत्र की कुछ मर्यादाएं होती हैं, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको शायद इनका ज्ञान नहीं है। और पंजाब में जो कोयले का संकट हुआ है, वो जो उन्होंने रेल रोको हुआ उस वजह से कोयले का संकट पड़ा है और उस दिशा में उन्होंने कोई काम नहीं किया।